गुड मॉर्निंग सुप्रभात। और कल भी ज़बरदस्त बारिश आई थी, आज भी मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। और भाई कल मैं कहीं बीजी था इसलिए मैं अपने ब्लॉग नहीं डाल पाया। और देखो मौसम दिखाता हूँ आपको, सूरज भी कितना बढ़िया लग रहा है निकला हुआ। और भाई कोयल की जो आवाज़ है ना वो कितनी प्यारी आ रही है। ये देखो सूर्य देवता, अभी यानी हल्के हल्के निकले हैं, बादल हो रहे हैं यार। बस वो दोनों अभी सोने लग रहे हैं, पता नहीं किस टाइम उठेंगे। और टाइम फिलहाल 5:30 के करीब हो रहा है। मैं बाहर गया था घूमने के लिए, घूम के मैं वापस भी आ गया हूँ। अब मैं छत पर आ गया क्योंकि पसीने आ रहे थे ना नहाने से पहले। एक बार मैं पसीने सुखा लेते हैं, फिर उसके बाद नहा धो गए सीधा स्कूल की तरफ रवानगी। और देखो कितनी आवाज़ करने लग रहे हैं। आज भी शायद आज भी गर्मी रहेगी तो बारिश आ सकती है, क्योंकि कहते हैं ना मोर बोलते हैं तब बारिश आती है। उस घर में सामने है ना बिल्ली बैठी है, ये रही इसका ही रूम है, इस बिल्ली का ही है, बिल्ली रहती है यार। तो दोनों स्कूल में आ गए थे और मैं भाई रेस्ट कर रहा हूँ। और मैं आपने दिखा देता हूँ जी, और वसु दोनों क्या करने लग रहे हैं। वसु टीवी देखने लग रहा है, ये रहा ये तो देखो सामने इसका टीवी, और पूरी चादर का ये हाल कर रहा है जी। आपने पढ़न ला रही, तेरा काम ना दे रखे के कर ले भाई कर ले, कल चलना है शादी में, तने शादी में चलना है ना बस, ठीक है भाई। मैगी का टाइम हो गया है तो फिलहाल जो है दोपहर में क्या बन रही है, मैगी। वसु ने तो खाना शुरू कर दिया, मेरी बिल्लिया ने, मेरी बिल्लिया जिया नहीं खा हुआ है, क्यों खा ले बेटी। भाई मेरी भी आने वाली है, मैं अपनी भी दिखाऊंगा। लो भाई मेरी भी आ गई है, वो ले दे लाल टमाटर वाली वह चटनी सी सॉस है, बस अपने ना डाले तो मैं करना चाह रहा हूं। खा लेते हैं भाई, ज़्यादा धूप हो रही है। राज भी है ना अलर्ट दिखा रखा था कि बारिश आएगी तूफान आएगा, कुछ भी नहीं आया। और जिया मेरे पास रात में मैसेज आया था, अब भी मैसेज आ रहा है कि 24 घंटे के अंदर है ना फिर आंधी तूफान और वो आओगा, ठीक है। और भाई जिया इधर सब्जी काटने लग रही है, सब्जी में आलू और ये प्याज वगैरह देखो चश्मे ने भाई। आजकल ये अपनी मम्मी की मदद करने लगी है ना जिया, सब्जी काटने में जिया है ना मदद करती है, देख जिया है ना। वसु का मन नहीं लग रहा बाहर जान खेलने हैं। और लड़ाई होगी, लड़ाई लड़ाई होगी कर दिया हाय। साइकिल चलाओ, चला ले ले भाई। वसु चला गया साइकिल चलाने में, अभी बाहर थोड़ी देर घूम के आता हूँ। कैसे जान लग रहा है देख लो, यार ये भाई जबरदस्त मौसम बिल्कुल पलटी मारेगा, बारिश आएगी देखो, बादल हो रहे हैं कैसे रहे।
बारिश का मौसम हो रहा है उधर तक, कभी काले बादल हो रहे हैं, पता ना किस टाइम पे बारिश आओगी। दिन हो गए बारिश बता रखी है, कल अभी थोड़ी हल्की बारिश आई थी, आज तो आंधी आंधी आ करेगी, तो अभी देखते हैं शाम में। वैसे बारिश का मौसम हो रहा है कि बारिश आती है नहीं आती, फिलहाल ये है कि आवाज़ वह आंधी चल रही थी तो लाइट नहीं थी, फिलहाल लाइट आ गई, तो ये इस चीज़ की शांति है, नहीं तो यहाँ ये टीन की वो है तो इसमें ना गर्मी लगे थी, अब थोड़ा ठीक है। यहाँ ये जो भट्ठे पर रहते हैं ना, इनकी भी ज़िंदगी बड़ी टफ है। इस भट्ठे पर है ना जैसे सुविधा सारी दे रखी है, उधर देख लो ये पानी भरण लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, ये इनकी पूरी मदद करते हैं। बाहर खड़े होते हैं, बाहर का मौसम फिर भी यहाँ से तो ठीक है, फिलहाल अंधेरा भी ना होया है, तो बाहर खड़े होते हैं और बाहर का मज़ा लेते हैं, जो हवा चल रही है ना उसका, नेचुरल जो हवा है ना उसका मज़ा लेते हैं। से तो साफ हो गया और मौसम देख लो भाई, बिल्कुल काला हो रहा है उस साइड, और ये देखो छोटी बच्ची पानी लेने के लिए आ रही है, बाल्टी ले रही है। बाहर आ गया हूँ और बाहर भाई बड़ी बढ़िया हवा चल रही है, इसकी शॉप के बाहर ही खड़ा हूँ कि मान ले कोई सामान लेने आ गया तो मैं उसको आसानी से दे दूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, तरुण गया हुआ है किसी काम के लिए, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। इधर देख लो भाई, ये दोनों बाबू बेटा हैं, लड़का छोटा है, ये है, ये भी काम करने ला रहा है। उस साइड वो चार जने हैं जिसमें दो छोटे हैं, यहाँ के बच्चे हैं ना, अपने मम्मी पापा का पूरा साथ देते हैं, पूरी मदद करते हैं काम करवाने में। ये खेत देख लो भाई, दो दिन बारिश बताई थी कुछ भी नहीं आया, पर आज रात को बारिश आ सकती है क्योंकि आज बिल्कुल काला हो रहा है सही, तो वेट करते हैं शाम तक का। और देखो यहाँ कितना वाइट वाइट दिख रहा है, उधर बिल्कुल ब्लैक ब्लैक होता चला जाए। छोटी लड़कियाँ ब्लैक आई थी बाल्टी, यानी इतना एक खुद में वजन है और इतना इस बाल्टी में जो पानी है ना उसमें इतना वजन है, और देख लो कितनी मदद करते हैं ये, काम बता दो बिल्कुल भी नहीं कराएंगे, असल में तो हमें नहीं कराते कि भाई छोटे हैं छोटे हैं, और ये देख लो कितने छोटे हैं और फिर भी कितना काम करने लग रहे हैं। साइड तो है ना बिजली चमकनी शुरू हो गई है, अगर अब की बार चमकेगी ना तो मैं आपने दिखाऊंगा, वो जो चिमनी है ना, ये जो चिमनी है देखो आई थी ना थोड़ी सी लाइट सी, अगर दोबारा आओगी तो आपने दोबारा भी दिख जाएगी, ये देख लो। तो उधर तो शायद बारिश के आसार हो रहे हैं, और हल्की हल्की जो बूंद है ना वो इस साइड भी आनी शुरू होगी, फ़ोन में नहीं दिख रहा काला, नहीं तो यार उधर तो बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, देखो वो बिजली चमकी ना, तो भाई अब बारिश के चांस बने हैं तो बारिश आएगी। भाई राम जी जो है उसने भी गर्जना शुरू कर दिया है, और जो बिजली है वो भी उसकी रफ्तार भी बढ़ गई है, अब रफ्तार है वो बढ़ गई है, उधर देखो बिजली चमकने लग रही है, तो बारिश बस वेट है कब बारिश आएगी, पर बारिश अब की बार है ना तगड़ी आएगी बहुत बढ़िया वाली। हो गया भाई साहब खतरनाक, आपको दिखाता हूँ मैं बैक साइड से कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, देखो पीछे पीछे देखो बादल कैसे, यानी बिजली और बादल दोनों कैसे आवाज़ कर रहे हैं, देख लिया पीछे, हाँ ये लाइट फोटो से खींचे हैं ना सही। लो भाई बारिश आ गई है और हम यहाँ से अब निकलने लग रहे हैं, पहुँच गए हाँ, और जिया भी रोटी खाने लग रही है, उधर वसु खाने लग रहा है, तो मेरी भी आ गई है ये री, तो भाई खाना खा लेते हैं फिर चलेंगे ऊपर घूमने, बारिश आ गई थी भारी, यहाँ घर पहुँचती है बारिश रुक गई, मैं बस ऊपर जाने लग रहे हैं, ऊपर का मौसम कैसा हो रहा है देखते हैं, थोड़ी देर ऊपर घूम लेंगे क्योंकि यहाँ तो एसी चला है ना, ऊपर ही है कि ये भी भाई जो नेचुरल जो हवा है ना उसका मज़ा ले लेंगे। तो लाइट कर देते हैं ऑन, ये जल गई ये जल गई, और अब चलते हैं। आ जा भाई, बड़ी हवा चल रही है बिल्कुल मस्त वाली, और देखो उधर बहादुरगढ़ की साइड है ना अब भी बिजली चमकने लग रही है, इधर वाली ख़त्म हो गई, हवा की आवाज़ पता नहीं आपको आ रही है नहीं आ रही है, ज़बरदस्त हवा चल रही है। फिलहाल हम छत पे बैठे हैं, ये वसू रहा ठीक है, ये भी अपने लग रहा है, और भाई बारिश है वो तो रुक गई है पर आवाज़ जो है वो बढ़िया चल रही है फिलहाल, तो थोड़ा आज छत पर घूम लेते हैं क्योंकि मोस्टली हम आते नहीं यहाँ, यानी शाम के टाइम, सुबह तो आता हूँ शाम के टाइम नहीं आता, तो अब घूमते हैं यहाँ।
नज़ारा दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये है भाई रात का नज़ारा, यानी आज तो उधर भी बिजली चमकने लग रही है। देखो बिजली, मैं जब फोन ऑन करता हूँ ना तब गायब हो जाती है, और भाई उस साइड तो जैसे चमक ही रही है। बहादुरगढ़ है उस साइड, देखा चमकी ना, अब ये उस साइड भी हो रही है। और भाई उस टोल की तरफ नहीं हो रहा कुछ भी, वहाँ बारिश आ ली बता रहे थे कि रोहतक में तो बहुत तेज़ बारिश आई है। ये देखो कैसे वहाँ तो लाइनिंग सी बन रही है कि बिजली जैसे टीवी में नहीं दिखाते ज़मीन को छूती हुई, ऐसे दिख रही है यहाँ से तो, पता नहीं कब दिखेगी। दिख जा दिख जा दिख जा, उधर जो मंदिर है ना, ये नया मंदिर बन रहा है और इसमें आज रागनी का प्रोग्राम है। तो उधर बिल्कुल मंदिर के सामने चौपाल है, तो वहाँ तो रागनी होने लग रही है। और भाई बारिश का कोई भरोसा नहीं है, रात को भी आ सकती है। भाई नीचे चलते हैं और सोते हैं अब जाके। आ जाओ वसु, आ जाओ भाई, रही लाइट आन बंद कराइयो सारिया ने, लाइट बंद कर दियो। कर रखी है तैयारी, जिया और वसु देखो ये दोनों सोने लग रहे हैं। ये वसु रहे उधर, जिया सोगी तो भाई मैं भी सो जाता हूँ। ठीक है, तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, बाय।